ये तस्वीर देखो, ये एक किसान है, नकली पाँव है नहीं है। इसके बाद भी चार दिन से लाइन में खड़े हैं खाद के लाने। कोई नहीं सुन रहा भाई, क्या करें, धक्का लगा परिवार ही। हाँ, भूखे प्यारी डरी थे, क्या हुए बच्चे, हमारी समस्या जा रहे हैं, मैं खाद नहीं मिल रहा, धक्का दे घर रहे भगवा आ रहे, कोई प्लस व्यवस्था नहीं है बिल्कुल। देखा है दरवाजा जी आए और चले जाते अपनी। जे है 8 तारीख का टोकन, 7 तारीख का टोकन है, अभी तक खाद नहीं मिला। 8 तारीख का है, 34 नंबर है, खाद मिलो ही नहीं है। आज सुबह से लगी लेने में, 2 दिन हो गए लगी। खाना यहीं पे खा रहा है, नहाया भी नहीं है, कुछ नहीं किया, बस खाद कोई नहीं मिला, टोकन मिला अभी तो। अधिकारी कह रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं, खाद पर्याप्त है झांसी में, खाद है तो इन चाचा को 8 तारीख को टोकन है, 86 नंबर खाद काहे नहीं मिल रही। इन भाई साहब को 8 तारीख को 34 नंबर है, इन्हें खाद काहे नहीं मिल रही। इनको 7 तारीख को टोकन है, इन्हें खाद काहे नहीं मिल रही। और अगर गिनती बना पे बैठे तो सैकड़ा किसान निकलें। और एक तस्वीर तो आप चाचा की पीछे देख ही चुके हो कि नकली पाँव लगाएं, चार दिना से लाइन में खड़े, इसके बाद भी इन्हें खाद नसीब नहीं हो रहा। अब खाद इन्हें खाने तो है नहीं, यहाँ खेतन में डालने, रबी की फसल की बुआई करने, खेत तैयार है, खाद नहीं मिले तो का बोलें और का खा लें, खुद का खा लें और अधिकारी इनको का खवा दें। कहाँ से बोई गेहूँ तो अधिकारी खें, अधिकारी सोने की मोहरें तो खें नहीं, न तनख्वाह के रुपया खें, अधिकारी भी गेहूँ की रोटी खें, तो अधिकारी को कहाँ से गेहूँ मिल जाए, कहाँ से आटा मिल जाए। चाचा का है जा समस्या, का हो चाहिए, का चाह रहा है। अब हम आपका बोलो, बताओ क्या कह रहे थे, नाव कहाँ है, कहाँ से आए। मुड़ई से यहाँ राम कुमार नाम है, वो 8 तारीख को टोकन है, वो लाए फिर रहे 4 दिन आके सब खाद नहीं मिल रहा, वहाँ तक लाइन पे पहुँच ही पाते ही, वो बंदे की हट जा बंद कर दे, और धक्का मुक्की में साफ नहीं ले पा रहे। पापा को धक्का दिया तो गिर पड़े, इलाज में पैसा लगाए, सब क्या क्या करें, खाद ले के इलाज में पैसा लगाए, हम क्या करें, हमें तो खाद की समस्या हो रही, आज खाद चाहिए, मतलब आज खाता ही नहीं है मेरे लिए। चार दिनों में लाल में लगे और हर व्यक्ति आ रहा है और ब्लैक में पूरी निकल के जा रहा है। 3 बजे से किसान खड़ा है, तो कम से कम ना तो खाना पीना खाए, 11 बजे लाइन में टकी है, साहब नहीं अब तुम्हारा नंबर हट गया, साहब नहीं दूसरा हो गया, तुम आते ही नहीं, तो कम से कब तक किसान खड़े रहेगा, कैसे खाद की व्यवस्था बनेगी, कैसे वे पाँव निकलेगा। किसी को तो एक जितना मर्जी हुआ मन मर्जी हुआ बांट दिया, 8 तारीख के टोकन लिए खड़े हैं, आज से 6-7 दिन हो रहे परेशान होते, सुबह से आ जाते 2 बजे रात से, ना खाना खाते दिन भर ना कुछ। अपन कहाँ से आए चाचा? नरी से हाँ। 2 बजे रात के खड़े हैं, हाँ। दोनों जने 2-3 बजे रात के आ गए थे, यहीं पे खड़े हैं बराबर। एक बब्बा है, बब्बा कितने की उम्र है? हमारी है 75 साल। हाँ, तो मैं खाद के लिए आज सवेरे से इसी लाइन में लगा हुआ हूँ और खाद नहीं मिल रहा। और नए नए लड़के आते हैं, वो धक्के दे के और ले जाते हैं, गुंडागिर्दी बताते हैं, धक्का दिया और उनसे इधर उधर कर दिया। सुबह 3 बजे की आए, देखो एनर पे जाए पहुंची, कोई बोरी नहीं मिल रही। 8 तारीख सुबह आए, लेन लगी थी, साहब आ गए, आदमी ने भीड़ भगाई, लेन से भग गए, इन यहाँ डंडा बजा सबको भगा दो, लेन में 3 बजा रहा डंडा, दरोगा जी सबको भगा रहे, मिला ही नहीं रहा, जाए पहुंची, देखो आप। अब गुरु खाद लेवे जाओ तो डंडा मिले, या पहली दार सुनी। इन भाई साहब को 8 तारीख को टोकन है, 13 नंबर, ये कह रहे कि खाद लेवे यार तो डंडा मिल रहे थे, खाद तो नहीं मिल रहा। इस समय हम झांसी जिला के चिरगांव में हैं, चिरगांव मंडी के अंदर जब हम लोग पहुंचे तो इतने तस्वीर दिखाओ, PCF केंद्र पे हैं, जब तस्वीर दिखाओ कितने लोग हैं, कितने किसान हैं और कितने परेशान हैं। जे भाई साहब इनर पहने जा, अंदर की इनकी इनर भी दिखा दो, देखो जैकेट पहने, जिस सुबह 3 बजे के यहाँ जैकेट पहने, देखो सुबह के यहाँ 3 बजे के कछु नहीं मिल रहा, पूरी लेन में लगे और एकदम भगड़ सी मच रही, आदमी लग रहे, कुकर गाँव से आए का है, का खेती है, क्या है? राम जी नाम है, कुकर गाँव से आए हैं, खेती तो है लेकिन अब लेन में आए थे, 4:30 बजे आ गए थे। कितनी जागा जमीन हैगी? 15-16 बीघा। कितनी बोरी की आवश्यकता? 6-7 बोरी। कितनी मिल गई? एक और नहीं, कहाँ से मिल? चाचा बताओ, हाँ बताओ, हम तो सुन भी आए, खाद की बोरी नहीं मिल रही हैंगी? हाँ, कितनी चाल? 8-8 बोरी चाहिए। हाँ, अबे तक कितनी मिल गई? एक भी बोरी नहीं मिली। परेवा पलेवा मलेवा हो चुको है, वो बहुनी होने को टाइम आ गया, बहुनी होवे को टाइम आ चुको,
लेकिन जो है कि खाद की बोरी नहीं मिल रही, पुलिस है डंडा बजा रही, लाइन में लगा रहा है, टोकन नहीं दे रहे, खाद की किल्लत है बहुत ज्यादा। कोई धक्का दे के और डंडा मार के भगा देते हैं, अब डर लगा तो भागने तो वही क्या कर रहे, नहीं दिया सुबह 6 बजे कुछ नहीं खाया है, भूखे हैं, नाराज। पूरी मात्रा जी भैया, हम 4:30 बजे के आए सवेरे से, अबे तक हमें खाद नहीं मिलो और 5 बोरी मिल रही, हमें लेने हैं 15 बोरी, अब बताओ क्या कर हो जाए। आदमी सुबह से 4 बजे से बैठो, 50 आदमी भी पूरे नहीं निपटे अबे तक भाई साहब, और बताओ पूरी लापरवाही है। 3 बजे सुबह हम 25वें नंबर पे लगे थे, अबे तक हमें बोरी नहीं मिली, कम से कम 50 आदमी निपट गए पे, भुंसारे के आए सब, 6 भी जगह है, एक बोरी नहीं मिल रही, कुछ ब्याज में लटक रहे, जैसे सहायता सरकार में हर आदमी परेशान है, इतना परेशान है, खाद बहुत बंगड़ा बंगड़ी सिंह साहब, बहुत परेशान है, खाद नहीं मिल रहा, 5 दिन के बराबर आ रहा है और जो दे नहीं है, डेली भगा देते जाओ घर, है नहीं खाद, 3 बजे रात से बैठे बराबर, 5 दिन के फिर बराबर, हाँ 3 बजे रात के बैठे है, कोई खाद नहीं, कोई सुना जी नहीं हुई सर, हाँ वर्तन से तो करो बात, वर्तन परेशान सिखा के खाते ही नहीं मिल रहा, चल जाओ हमें, हम भागे आए, हमारी कोई सुना जी नहीं भाई, अरे भाई दरोगा जी खड़े सहयोग कर रहे हैं, दरोगा जी से क्या नहीं, हम क्या कर रहे हैं, पुरानी पर्ची हटा के नई पर्ची, आपने नंबर बांटे, 8 तारीख की ये पर्ची है, वो हम घूंघट फिर रहे लाइन लाइन, वो हमको भगा दिया लाइन में लगी हुई, वही खिड़की पे से धक्का मार के भगा दिया, हाँ जी हाल है दरोगा जी, मुकदमा वाले लिख दे, जो ढोंस हुआ चल रही, हमें आज पटक्का मुकदमा वाले लिखने हैं, जो हुआ है 3 बजे से आए, लाइन ही में नहीं लगा, हटा दे ढक्का दे दे, देख लो आप छोटे छोटे ना कैमरा पे एक बार, यह कहानी है चिरगांव के पीसीएफ केंद्र की, 8 तारीख को 13 नंबर टोकन, ऐसे बहुत सारे लोगों के पास, सबके पास टोकन है लेकिन खाद नहीं है, चाचा के पास है, 8 तारीख को जो टोकन है तो खाद का है नहीं, खाद गई कितना है, बरौल से, बरौल से, हाँ 3 बजे आए थे, खाद बांट रहे हैं, खाद ठेल लगती है तो पीछे चले जाते हैं, क्या नाम देखें, भगा दे, 4 दिन आंखें लगे हैं, कुछ नहीं, 4 दिन से, 4 दिन से आज की एक बोरी कहाँ से आए, 4 बजे आ गए थे ना, नली से आए, हाँ नरी से, हाँ और 4 दिन से रोज आ रहा है, कितनी खाद चाहिए, कितनी खाद चाहिए 10 बोरी, 1 भी नहीं मिली, नहीं मिली, अगर दरोगा जी नहीं आते तो यहाँ खाद नहीं बढ़ता, तो आदमी भी मर जाते, एक आध दरोगा जी आए तो व्यवस्था बनी, ना तो एक आध आदमी और मर जाता, दरोगा जी ने व्यवस्था बनाई सही, नहीं सही नहीं, सही कहो, दरोगा जी नहीं आते कोई व्यवस्था नहीं होती, आदमी और मर जाते, दरोगा जी ने आने की व्यवस्था बनाई सही। इस समय हम लोग चिरगांव के पीसीएफ केंद्र पे हैं और चिरगांव के पीसीएफ केंद्र पे का स्थिति है जो आपने देख ली, बहुत सारे लोगों के पास 7 तारीख के टोकन हैं, बहुत सारे लोगों के पास 8 तारीख के टोकन हैं, लेकिन खाद नहीं मिलो, 4 दिन से बूढ़े बूढ़े डुकरा, नई उम्र के लड़का, बहुत सारे लोग, अलग अलग किस्म के किसान, महिला तक शामिल हैं जिनको खाद नहीं मिल रहा हो, जायते की समस्या है, हमने कल आपसे कही थी कि एक एक हम लोग केंद्र पे जाएं जितने खाद बांटी जा रही है, उतने के किसानन से बात करें कि असल हकीकत का है, तो असल हकीकत का है जो आपने चिरगांव की देख ली, और अलग अलग जगह जे अलग अलग किसानन से बात करें, समझें कि समस्या कितनी विकराल है, अधिकारी काय कह रहा है पर्याप्त खाद है, अगर पर्याप्त खाद है तो जो किसान काय पगले आने फिर रहे, ये काय झूठी बोल रहे, अगर पर्याप्त खाद है, 8 दिन से पढ़ने आ रहे, खाद नहीं मिलो साहब, हम 60 महिलाओं को 65 साल के हैं साहब, 8 दिन बराबर होगा, खाद लेने में नहीं लग पा रहे, बूढ़े आदमी हम। अच्छा तुम लोग हमें एक चीज समझाओ ईमानदारी से, बताओ कि कितने दिन खाद और ना मिले सो चौपट चौपट सब, 2-3 दिन में बखानी है, 3-4 एक सेकंड, हाँ चाचा, हाँ 3-4 दिन में नहीं मिला तो सूख जाए है जमीन, हाँ बखानी फसल नहीं, वो नहीं पे कर रही हुई कर रही हो जाए, हाँ आप बताओ,
अगर दो तीन दिन नहीं खाद मिलता है तो बोनी नहीं होगी गेहूँ की। पलेबा बकरी डरी, दोबारा पलेबा करना पड़ेगा, दोबारा फिर पानी लगाना पड़ेगा। जब बोएगी लेट हो जाएगा क्या होगा? लेट हो जाए फसल, फिर क्या करे हो? फिर क्या करे, दोबारा पानी देने पर परेशान है, पानी देने पड़े, पानी देने या जब फसल भी पहना था पानी लग कहो के आप हम मत खाद दिलवाओ, बस कर्मचारी नहीं कर रहे काम, तुम्हें खाद दे नहीं रहे। एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, जब अधिकारी कह रहे कि खाद पर्याप्त है, इतने भीड़ लगी, इतने 8 तारीख के 7 तारीख के टोकन वारन को खाद नहीं मिल रहा, तो समस्या कितना है, असल समस्या कितना है? असल समस्या यहाँ बांटने में, जब बांटने बांटने ही में उन्हें बांटे ही बांट ही नहीं चाह रहे, और जो बड़े बड़े लोग हैं उनके उनको फोन आ जाते हैं वो कि नहीं साहब, एक एक करके बोलो ना, समझ में आए, बड़े बड़े लोग हैं उनके फोन आ जाते, हमारे पास 50 बोरी भेज दियो, 60 बोरी भेज दियो, तो रात में जो है बोरी होते चली जा रही, तो जे दो दो चार चार किसानों को बोरी मिलने पे कहाँ से मिले, बाकी पीछे किसान किल्लत में है, पलेवा हो चुको, अब बाको जो है अपन पानी दे रहेंगे, अब बाकी बात बखन नहीं आ रही, बखन नहीं आ रही खेत बहने, अब जो है खाद नहीं मिले काय में बहें, फिर से पलेवा देने पर फसल कमजोर हो जाए, लेट हो जाए बहुत, बड़े बड़े लोग इनके फोन आते ही कि हमारे पास 60 बोरी भेज देना, हमारे पास 40 बोरी भेज देना, और पहुंच जाते, वो बोरी पहुंच जाती है, रात में पहुंचेगी, सुबह पहुंचेगी, जब पहुंचेगी उनकी वो सिस्टम है, वो अपने तरीके से जो है भिजवा दे, उन्हें टोकन नहीं चाहिए, उन्हें उनको कोई टोकन की जरूरत नहीं है, बोरी दो बोरी वाले के लिए टोकन, और वो भी आज अगर टोकन मिल जाए तब कल या परसों मिल पे खाद, टोकन 3 दिन से आ रहा, टोकन नहीं मिल पा रहा है। अच्छा टोकन ही नहीं मिल रहा? हाँ हाँ टोकन नहीं, 3 दिन हो गए, पत्नी लाइन में लगी लगी भग गई, बीमार हो गई, 700 रुपया को भाई इलाज कराना पड़ो, कागज ये है ना, टोकन मिलो ना कागज जमा भाई, कुछ नहीं है। हमारे भटपुरा से इतनी जमीन, जमीन है 8 बीघा, और खाद कितनी चाहना? खाद चाहने 3 बोरी, 3 बोरी भी नहीं मिल रही, 1 एकड़ के लाने कितनी बोरी चाहिए? एक एकड़ पे एक बोरी, 1 एकड़ को 1 बोरी चाहिए, और वो भी नहीं मिल रही, जो 18 साल से नीचे हैं मैंने खाता ही नहीं मिला, बानना कह रहे थे। अच्छा तुम खाद तो हो नहीं, खुद तो खाते नहीं, तो खेती ही खोए 18 साल से नीचे का किसान खेती नहीं कर रहे, क्या बात है? अगर पिताजी बुढ़े हैं तो बच्चा तो खाद ले भी आ रहा, अगर बच्चा उनको आ रहा हो खाद ले भी रहा, बाकी उम्र 18 साल से कम है तो भाई खाद ही नहीं मिलेगा, बताओ कितनी बड़ी समस्या है। जैसे मान लो पिताजी बीमार है, अब खाद को चाहने हैं, लड़का की उम्र 17 साल है, हम कह रहे हैं अगर ये खाद ले जाए 1 बोरी तो खा लें का तो खेते ही में, तो खेते ही में 18 साल से नहीं, तमाम आधार कार्ड वहाँ हो जाए नहीं कह रहे थे, अब खतौनी तो ले आओ ना, खतौनी तो खतौनी लिया, आधार कार्ड की फोटो को अभी सब ले आए थे भाई, मैं दरोगा जी डंडा लाए फिर रहेंगे, ले थोड़े से लान कट पर, देखो दो चीजें हैं दरोगा जी, डंडा इसे लाए के आपस में ना लड़ो, शांति बनी, कोई आपस में 3 दिन से कोई नहीं लड़ो जब दरोगा जी नहीं आते, और आज भी नहीं लड़ो कोई, देखो कल 2 बजे के बाद भीड़ ने खाद नहीं बांटन दाओ, खिड़की पे टंगे जी को नंबर, वो पीछे रहो, लेन वालों को नंबर नहीं लगो, अपने अपने हाथ बोला था बीच में से, उनको नंबर लगो, इसलिए दरोगा जी खुआ जाने पड़ो। एक चीज है कि स्थिति इतनी भयावह काय बन गई, स्थिति इतनी विकराल काय हो गई कि पुलिस की सुरक्षा में खाद बटने पर रहो, खाद तो बात चीज होती कि किसान जाए पैसा दे और खाद मिल जाए, वो अपनी बोनी करे, जा जरूरत पड़ी काय के पुलिस को खाद बटवाने पर रही, SDM CO को खड़े होने पर रहो, DM को निरीक्षण करने पर रहो, जाके जा नौबत आई काय का, ई बारे में बड़े बड़े अधिकारियों ने मंथन करो, मंत्रियों ने मंथन करो, जब उन्हें पतो है कि कौन महीना में रवि की फसल बुआई हो, झांसी जिला को कितनी खाद चाहने, तो ई को इंतजाम पहले से काय नहीं करो, उस समय का होश में नहीं रख के जो पहली बार कुंभ लग रहे होते, हर बार फसल बुआई हो तो हर बार खाद लगत, कितनी खाद लगत अधिकारियों को पतो, सबको पतो, लेकिन व्यवस्था काय नहीं मिलाई गई, ये तमाम सवाल हैं जिन पे कितु न कितु सरकार को नजर दें चाहिए, झांसी जिला के जिम्मेदार अधिकारियों को पहले ही से तैयारी करनी चाहिए, कहा से लगातार 3-4 साल से यही स्थिति है, जब पहली बार की स्थिति नहीं है, लगातार 3-4 साल से हम लोग देख रहे जय स्थिति जय नौबादारी के पुलिस को खाद बंटवाने पड़ रही है, पुलिस को सुरक्षा करने पड़ रही है, भाई साहब आटा की बोरी लेवे जाओ अपन बाजार में, उतर तो पुलिस नहीं रहता, आराम से पैसा दो बोरी ले आओ, अब जब किसान को खाद लेने तो काय की सुरक्षा,
इतनी सहूलियत नहीं चाहिए किसान को कि वो पैसा दे खाद ले आए अपनी मोनी करे, लेकिन स्थिति गड़बड़ हो गई। कितों ना कितों फाल्ट है, सरकारी मशीनरी को फाल्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, इस शासन में पहले से बड़े लोग पैसा लेके खरीद खरीद के अपने गोदामों में रख लेते हैं, वो ब्लैक में बोरी चली जाती है, उसमें महंगे दामों में बेच दिया जाता है खाद की, इसलिए समस्या खड़ी हो जाती है। ठीक है, ये शासन का लापरवाही समझी जाए कि हम लोगों की लापरवाही समझी जाए, ये बताओ पहले। हमें एक चीज बताओ, इसमें आप लोग बताओ, जैसे आप लोग तो किसान हो खेती कर रहे, इसमें गलती कितने है, सरकार की गलती के अधिकारी की गलती? सरकार की गलती है इसमें, सरकार को व्यवस्था बनानी, सरकार को व्यवस्था बनानी चाहिए किसान के लिए कि भाई खाद लेना है, कब लेना है, खाद का तो समय होता है हम लोगों का, नहीं होता है भाई, सरकार को व्यवस्था, कोई मैनेजमेंट सही नहीं है सरकार का, अगर मैनेजमेंट सही होता तो अधिकारी सही चलते। समस्या क्या है कि जैसे मान लो सरकारी जगह बढ़ रहा हो, प्राइवेट दुकान पे भी खाद होना चाहिए तो जहाँ समस्या ना होती है, प्राइवेट जगह से आदमी 10-50 ज्यादा महंगे पैसे लगते आदमी लेके पहले तो। अबे बताओ, अबे बताओ, टाइम पे क्यों परेशानी होती थी, 400 रुपया घंटा वो पानी दे रहा है, दोबारा पानी लगने फिर बखानी चली जाए, सपा सरकार में कभी आदमी कोई परेशान नहीं हुआ, किसान किसान कभी परेशान नहीं हुआ सपा सरकार में, जब तक रही कोई परेशान नहीं रहा किसान, किसान तो कोई परेशान, कछु आदमी कहते हैं कि सपा को प्रचार कर रहे, समस्या है, बात पार्टी की नहीं है, हम भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन हम फिर भी कह रहे खाद नहीं मिल रही, ना तो नौकरी मिल रही ना खाद मिल रही, अब तक हम गलती करते रहे कि भाजपा में बनी रहे, सबसे बड़ी खाद ही नहीं मिल रही, क्या करे खेगा, इतने सुबह 3 बजे की 5 बजे की आई है, 5 बजे इन्हें बुखार चढ़ो, ये जाकट पहने लेकिन इन्हें खाद नहीं मिल रही, देखो सब दिन भाई को चढ़ो हमें बुखार, और आप खड़े हो, हम खड़े हैंगे, कछु खाओ नहीं ना, बताओ देश में झांसी बुंदेलखंड में जितने 95% आदमी खेती करत और खेती करे बारो अन्नदाता, अगर ऐसे बुखार में जी की टांगे ही नकरी लगी, वो लेन में खड़ो, जी को बुखार चढ़ो वो लेन में खड़ो, और वे एक चाचा खड़े थे, उनकी पत्नी खड़ी खड़ी बीमार हो गई, उनको इलाज करा रहे, दो जने बेहोश हो के गए, दो जने बेहोश हो के सीधे अस्पताल गए, यहाँ से सही बात कह रहे हैं, हाँ सही कह रहा है, अभी यार सही झूठ रहे हैं, जैसे भैया और जिन लोगों के शरीर में जान नहीं तो ये तो पीछे हट जाएंगे कि नहीं हट जाएंगे, आप बताइए, भैया ने बोला की हम भारतीय जनता पार्टी में है और सबसे बड़ी भूल करी, ऐसे ही जो है हर जनता ने भूल करी, भूल चाहिए, राजनीतिक चीजें छोड़ो, अपन को खाद चाहिए, किसान को खाद मिले चाहिए, खाद मिले चाहिए बस, काय नहीं मिल रही, का समस्या मेन समस्या का है, कैसे निपटे आप बताओ कछु, भज्जा का कैसे करते भाई, चक्कर जो है धीरे धीरे आप बांट रहे, अच्छी रोटी से नहीं बांट रहे, आधार कार्ड लेगा चोरी हो रहा है, पैसा 3400 लेन में लगा, लेन में लगे 400 खाद खिलाने ले आए, खाद खिलाने ले आए थे, अब कैसे लो खाद, अब कैसे ले रहे, पैसे नहीं बचे, अब कैसे ले फिर घर जा रहे, क्या करे साहब, ये एक किसान है खाद के लाने 3400 रुपया ले आए थे, बंगरा बंगरी से आए, बता रहे इनके पैसे उगर गए, आधार कार्ड ही कौन निकाल लेगा, पैसा निकाल लेगा, आप जी खाद काय में लें, बे चाचा इनकी चर्चा कर रहे थे, इनकी पत्नी बीमार हो गई, हमारी लेन में लगी थी, हाँ लेन में लगी थी सर, सुबह से जी कागज है उनकी, हाँ। बीमार हो गई, हम लेन में से लगा के उन्हें अस्पताल लुआ गए, इलाज कराओ उनको, दो बोतलें दे रहा है, बोतलें काय की, तो हमें खाद नहीं मिल रहा, अबे आए हमने कि सब महिलाएं को नाम बोल दो, शायद उसमें आपने नाम लिखा है, बोले महिलाएं का बाद में लगेगा, पहले ये निपट जाने दो, अब सर सवेरे के आए, 8 बजे के आए, क्या बज गए, 4 बज गए सर, बताइए आप, चाचा आप कहाँ से आए, बंगरी बंगरा सर, बंगरा बंगरा हम रामपुरा से, रामपुरा से, अतवेई से, बरवाल, बरवाल से, मुड़ई मुड़ई, नरी से आए, नरी से, धवारा से, ये किसान हैं, अलग अलग कई गांव के किसान हैं थे, और इतने समस्या बेकराल है, सिया से भी है, सिया गांव से हैं, सुल्तानपुरा से, आसपास जितने गांव हैं 20-25 किलोमीटर के दायरे के,
अधिकतर गांव के इतने किसान मिल रहे हैं, अपनी स्थिति बता रहे हैं कि किसान कौन पीड़ा से गुजर रहा है। और किसान के पास सबसे बड़ी इस समय चुनौती जा है कि अगर उनको दो चार दिन और खाद ना मिले तो जो पलेबा वो कर चुको उनको खेत फिर से सूख जाए, उनको फिर से पलेबा करने पर है। बहुत सारे लोग बुआई के बाद खाद डालत तो उनको कहा हुई है जब खाद नहीं मिले कहा से भी बुआई कर चुके, तो स्थिति कहा हुई है किसान की, किसान को ऊपर कितों ना कितों डबल मार पड़ रही है। ऊपर से जो अबे उन्हें खरीफ की फसल बोई थी तिली मूंगफली उड़दा की वह पहले ही चौपट हो चुकी, कितों और हो गिर गो, कितों पानी जाना बरस गो, कितों कछु हो गो, वो टूटो रखो है। अब खाद के नाव पे ऊखों टोरो जा रहा है, खाद की व्यवस्था ठीक नहीं है। अब किसान कहाँ मर जाए, किसान बमूरा को पेड़ ना ढूंढे आत्महत्या के लाने तो कहाँ करे किसान, कहाँ से किसान को कर्जा भी देने फसल बोवे के लाने, जो कर्जा लाओ तो गांव के इनसे या कछु गिरवी रखी थी वो कर्जा कहाँ से भरे, कर्जा नहीं भरे तो ऊखों आत्महत्या ही करने पर है, लड़का बिटियन के ब्याह भी करने। किसान की बहुत समस्या है, अगर सरकारी अधिकारी सरकार किसान की पीड़ा नहीं समझे तो किसान फिर लट के मिले झांसी के बुंदेलखंड के ललितपुर के महोबा के जालौन के, इसे जा पीड़ा सुन लो और अधिकारी सुनबे ना चाहे ना सुनबे, कहा से अधिकारी तय के नोई उन्हें नहीं आत समझ में कि किसान कौन तरीका से जी रहा है, अधिकारी इनको नहीं आ पता भी एसी में बैठे। लेकिन अपने तय के जिला पंचायत सदस्य विधायक जी सांसद जी और तमाम जो नेता हर दर चुनाव लड़वे आजाद पर्चा छपवा दित, हार जात बाबात अलग है कछु जीत जात, हार वे बारे आवाज काय नहीं उठा रहे, जीत वे बारे काय नहीं उठा रहे, वे तो इतना के उन्हें उठाए चाहिए लेकिन वे भी नहीं उठा रहे, वे भी चमाने बैठे हैं, कैसे काम निपटे। अब चुनाव हो जाए देखो हुल गदागद मचे पर्चा छपन लगे, का का हुई है, अब आए चाहिए किसान की बात उठे चाहिए, डीएम को घेरे चाहिए, डीएम से पूछे चाहिए काय जब व्यवस्था बिगड़ी काय नहीं मिल रही खाद, अगर खाद पर्याप्त है तो कमी कत है जब काय नहीं पूछ रहे अपने तक के नेता, पूछे चाहिए। बुंदेली वार्ता की टीम चिरगांव में आज आई, बीते रोज अलग अलग सहकारी समितियन पे जे आपको ग्राउंड जीरो से हकीकत बताया कि बाकी बुंदेलखंड को किसान कौन पीड़ा से गुजर रहा हो, खाद के लाने ऊखो डंडा खाना पड़ रहा है, धक्का मुक्की लोग परेशान हो रहे हैं, आखिर जा समस्या कब सॉल्व हुई है, हर बार रबी की फसल की बुआई हो हर बार खाद चाहने पर जा स्थिति काय बिगड़ रही है।